हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं बनाने वाली हूं लादी पाव। सुपर टेस्टी एंड यम्मी घर में बने हुए सॉफ्ट लादी पाव। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप गुनगुना दूध। इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच ईस्ट, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर। इनको मिक्स कर देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। चीनी जो होता है ईस्ट का खाना होता है, तो वो उसे खाते हैं और उससे फर्मेंटेशन होता है। ये हमारा ईस्ट फर्मेंट हो गया है। अब हम लेंगे 2.5 कप मैदा, थोड़ा सा नमक। इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर, लेकिन मैं आज इसमें क्रीम डाल रही हूँ। घर की मलाई जो दूध के ऊपर लगी होती है वही मैं डाल रही हूँ, 1/2 कप के करीब। और इसमें ये जो ईस्ट का पानी है इसको भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें 1-2 चम्मच मैदा डाल दीजिए। थोड़ा सा मेरा गीला हो रहा था तो मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया, लेकिन इसको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसको हमें 10-15 मिनट तक अच्छे से गूंथना है, स्ट्रेच एंड फोल्ड वाले मेथड से। यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे आपके पाव उतने ही सॉफ्ट और यम्मी बनेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब मक्खन लगाएंगे। मक्खन को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मक्खन की जगह आप तेल भी यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये अपना पतला लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच मैदा डाल लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालना है। इसका कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसे इस तरह से स्क्रैप करते हुए गूंथते जाएंगे। जैसे जैसे इसमें ग्लूटेन डेवलप होगा, इसका जो चिपचिपापन है वो कम होता जाएगा। ये देखिए, 15 मिनट के बाद ये ऐसा हो गया है। अब इसे हमें फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 घंटे छोड़ देना है। तो मैंने कन्वेक्शन मोड पे ओवन को गर्म करके फिर ओवन को बंद कर दिया और उसमें मैंने इसको रख दिया बंद ओवन में, तो वहाँ पे गर्म रहता है। तो ये मेरा 2 घंटे में मेरा अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, डबल हो गया है साइज़ में ये, क्योंकि डेली में ठंड बहुत है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में तो 4-5 घंटे लग जाते। ये देखिए कितने अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। इसको फिर से थोड़ा सा और गूँथ लेंगे हम। अब जिस ट्रे में हमें बनाना है इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से तेल को फैला लेंगे, ताकि पाव इसमें चिपके ना। चारों तरफ से अच्छे से तेल लगा लेंगे इसमें। आप किसी भी टिफ़िन में या किसी भी बर्तन में बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हमें इसके पीसेस करने हैं, तो मैं 9 पाव बनाऊँगी। आप पाव की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके मैं 9 पीसेस कर लूँगी और 9 लोइयाँ बना लूँगी इससे। आप 12 भी बना सकते हैं, छोटे छोटे 16 भी बना सकते हैं, वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। और अच्छे से इसको, इसमें दरार नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से इसको ऐसे फोल्ड करके और हाथों से इसको अच्छे से सॉफ्ट करके फिर हमें इस ट्रे में रखना है ऐसे। और इस तरह से हम सारे बनाते जाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। अब हमें इसे सेकेंड फर्मेंटेशन के लिए रखना है, तो फिर से इसमें क्लिंग रैग लगा के, या आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं वो लगा के, इसको फिर से हमें 1 या 2 घंटे के लिए, क्योंकि ठंड है इसलिए 1-2 घंटे के लिए, इसको फिर से मैं कन्वेक्शन मोड पे ओवन को गर्म करके वहाँ इसको रख दूँगी मैं। तो 1 घंटे बाद आप देखिए ये एकदम डबल हो गए हैं साइज़ में, और हमारे पाव अब बेक होने के लिए रेडी है। मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया है। इसके ऊपर लगा देंगे दूध। दूध से इसमें अच्छा ब्राउन कलर आएगा ऊपर से, और ये सूखेंगे भी नहीं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए रखूँगी। अगर आपके पाव छोटे हैं तो फिर कम टाइम लगेगा, बड़े हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 20 मिनट में हमारे पाव बनके रेडी हैं। अब इनमें घी, बटर या ऑयल लगा लेंगे ऊपर से। मैं घी लगा रही हूँ,
ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। थोड़ी देर इन्हें ढक देंगे। हल्के से ये ठंडे हो गए हैं, किनारे से चाकू से इन्हें छुड़ा लेंगे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और अच्छे पाव बनके तैयार हुए हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप भी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।